हेलो फ्रेंड्स, बानी टू प्रयागराज में मैं अतुल शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और सी लैंग्वेज में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज लाइक अ सिमिलर इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और इस लैंग्वेज में हमने देखा कि इसके भी बेसिक अल्फ़ाबेट होते हैं। आइडेंटिफायर हमने देखे, आइडेंटिफायर में हमने देखा कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड। उसी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर की मदद से मिलके हमारे इंस्ट्रक्शन बनते हैं, और हमने देखा था कि हमारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं चार तरीके के होते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन जो था डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में अब इसी टॉपिक को आज हमें पढ़ना है, और अब इसी टॉपिक को हमें समझना है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए जो भी कोड लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। देखो, सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें अगर आपको किसी भी डेटा का यूज़ करना है, किसी भी नंबर का यूज़ करना है, तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। सारी चीज़ें पहले से आपको डिक्लेयर करनी होंगी, तभी आप उसका यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, डेटा टाइप हमने देखा कि हमारे डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा। ये हमारे बेसिक से तीन थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तीन हमारे डेटा टाइप थे। इंटीजर हमारा 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, और कैरेक्टर हमारा 1 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करता है। फिर दोस्तों, इसी तरफ आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो पहला जो हम जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर जो की कॉन्सेप्ट की बात होती है वो यहीं से ही स्टार्ट होती है। आपका जो सी लैंग्वेज का की कॉन्सेप्ट बनेगा यहीं से बनना स्टार्ट होगा, यहीं से आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, हमने क्या देखा कि हम अपने प्रोग्राम में 2 तरीके के स्टेटमेंट लिखते हैं। दोस्तों, कितने तरीके के स्टेटमेंट लिखते हैं, 2 तरीके के स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो लिखते हैं वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और जो दूसरे टाइप का स्टेटमेंट लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्शन स्टेटमेंट, एक्शन स्टेटमेंट। देखो दोस्तों, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर हम जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन डेटा का या फिर जिन जिन वैल्यू का हम यूज़ करने वाले होते हैं, उसका हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। और एक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है, इसी डेटा पे इसी वैल्यू पे एक्शन परफॉर्म होता है। बस आपको यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वो बात हमारी ये है कि जितने भी एक्शन स्टेटमेंट होंगे, जितने भी एक्शन स्टेटमेंट होंगे वो सारे के सारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद में लिखे जाएंगे। कहने का मतलब, हमें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में पहले लिखना है, एक्शन स्टेटमेंट को हमें बाद में लिखना है। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में जो सिंपल सा डिक्लेरेशन होता है उसमें हमें दो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले डेटा टाइप, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, डेटा टाइप, और फिर थोड़ा सा स्पेस देके हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम। क्या लिखेंगे दोस्तों, वेरिएबल नेम। देखो, डेटा टाइप हम जिस टाइप का डेटा का या फिर जिस टाइप की वैल्यू का हम यूज़ करने वाले होते हैं वो हम डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें इंटीजर टाइप का कोई नंबर लेना है तो हम इंटीजर यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमें फ्लोट टाइप का कोई डेटा लेना है तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे। हमें यहाँ पे करेक्टर लेना होगा तो हम यहाँ पे करेक्टर लिखेंगे। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम एक ऐसा नाम होता है जो कि किसी भी मेमोरी ब्लॉक का दिया गया नाम है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोई भी वैल्यू है आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है, आप उसको ऐसे नहीं यूज कर सकते, आपको उसको वेरिएबल के अंदर ही रखना होगा। वेरिएबल के अंदर रखने का मतलब किसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर उसे आपको रखना होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारी रैम एक मेमोरी है और इसके अंदर हमें रखा है 3, तो आपको इसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, और वो नाम क्या होगा, इसका ए। ए इसका वेरिएबल नेम है और ये इसका क्या है, 3।
जहां पे हम a लिख रहे हैं वहां पे हम किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, जहां पे हम 3 को लिख रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, a को लिखेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बात होती है जिसको हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, बेसिक से हमारे 3 है, हम इन्हीं 3 का यूज करेंगे। वेरिएबल नेम कोई भी नाम होना चाहिए, कोई भी नाम होना चाहिए। आप ए रखते हैं, आप ए बी रखते हैं, आप ए बी सी रखते हैं, आप रामू रखते हैं, आप श्यामू रखते हैं, आप मोहन रखते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम नाम को थोड़ा सा कोलरेट करते हैं उन चीज़ों से। जैसे अगर मान लो हमें करना है किसी चीज़ का फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, हमें किसी चीज़ का फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, और हम उसमें लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका नाम रख देते हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें कोई गलती नहीं होती, कोई एरर नहीं आती, लेकिन समझने के लिहाज से हम वही रखते हैं जो कि एक अकॉर्डिंग के क्या होता है, समझ में आ जाए। ये देखो दोस्तों, अगर इतना हम काम करते हैं, हमने डेटा टाइप वेरिएबल नेम अगर हमने लिख दिया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, इसी को बोलते हैं दोस्तों डिक्लेरेशन। देखो दो टर्म यूज होते हैं, एक डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में हम डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम दो चीज़ें लिखते हैं, और इनिशियलाइजेशन में हम एक काम और कर सकते हैं कि इसी वेरिएबल के साथ में इसकी क्या कर दें, वैल्यू को रख दें, इसकी क्या कर दें, वैल्यू को रख दें। अगर हमने इस वेरिएबल की जो वैल्यू हो, इस वेरिएबल के अंदर हमें जो वैल्यू रखनी है, अगर हम डिक्लेयर करते टाइम पे इस वैल्यू को रख देते हैं, तो ये काम कहलाता है डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन रख रहे हैं। टेक्निकल टर्म की बात किया जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। और दोस्तों डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद में हम क्या करेंगे, अपना सेमी कोलन जरूर लगाएंगे। सेमी कोलन क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। इससे यह पता चलता है कंपाइलर को कि ये लाइन यहाँ पे क्या होती है, ख़त्म होती है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में कि हमें सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होगा, फिर वेरिएबल नेम लिखना होगा, फिर वैल्यू लिखना होगा। ये इतना अगर केवल इतने की बात करें तो ये हमारा डिक्लेरेशन होगा। अगर इसके साथ हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। दोस्तों वैल्यू को हम बाद में भी रख सकते हैं, वैल्यू को हम बाद में भी रख सकते हैं। कि मान लेते हैं हमने वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिए और हमने वैल्यू बाद में रख दी, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम डिक्लेरेशन के साथ, अगर हम डिक्लेरेशन करते टाइम पे ही वैल्यू को रखते हैं तो कहलाता है ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम पे ही वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। और एक दूसरा टाइप का होता है रन टाइप का इनिशियलाइजेशन, जो हम प्रोग्राम हमारा जब रन करेगा, जब उसकी नीड होगी, जो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम स्कैनर फंक्शन की मदद से करते हैं, उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी के लिए समझते हैं इसको क्या बोलते हैं, रन टाइम ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा है कोई इंटीजर टाइप का डेटा, इंटीजर, और हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया ए, तो ये क्या हो गया दोस्तों, डिक्लेरेशन हो गया, ये भी अपने आप में सही है। अब हमने लिख दिया इंटीजर ए असाइनिंग टू 5। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने असाइनिंग टू 5 कर दिया, मतलब ये भी सही है, ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन है, दोनों में बस यही माइनर सा डिफरेंस है। अब अगर हमने ये कर दिया तो ये ए की वैल्यू पूरे प्रोग्राम के लिए यही सेम रहने वाली है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यही वैल्यू क्या होगी, इसी प्रोग्राम के पूरे प्रोग्राम के लिए सेम रहने वाली है। तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इंटीजर ए साइनिंग टू 5, ये डिक्लेरेशन हो गया, ये डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन हो गया। प्रोग्राम में ये कंपलसरी नहीं है कि आप पहले डिक्लेरेशन करिए फिर इनिशियलाइजेशन करिए, आप डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन साथ में भी कर सकते हैं और जहाँ पे बाद में भी कर सकते, मतलब ऑन टाइम पे भी कर सकते हैं और रन टाइम पे भी कर सकते हैं। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान देनी होगी। आप दूसरी पॉइंट ये कि आप एक साथ में कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वो वेरिएबल सिमिलर टाइप के हों, मतलब आप एक बार एक डेटा टाइप लिख के उसी इंटीजर टाइप, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे इंटीजर लिखा, आपने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर लिखा। दोस्तों आपने यहाँ पे इंटीजर लिखा है और इंटीजर टाइप के ही आप कई ढेर सारे वेरिएबल कामा से सेपरेट करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा इंटीजर, हमने एक वेरिएबल तो बना लिया, लेकिन अगर हम कामा से सेपरेट करके बी लिखें ये भी सही है, और हम बी सी भी हमने लिख दिया ये भी सही है। कहने का मतलब दोस्तों कि हमने इंटीजर, हमारा डेटा टाइप हुआ,
ए बी सी हमारे वेरिएबल हुए। इसका इसको बोलेंगे कैसे, ए बी सी इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, इंटीजर टाइप के क्या हैं, वेरिएबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि इंटीजर टाइप का ए हमने कोई बना लिया है, हमने फ्लोट टाइप का हमने कोई क्या बना लिया है, बी बना लिया है, और हमें चाहते हैं कि कैर नाम का मान लेते हैं हमने कोई सी बना लिया। हमने देखो यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के वेरिएबल बनाए हुए हैं, हमने यहाँ पे कितने टाइप के, थ्री डिफरेंट टाइप के वेरिएबल बनाए हुए हैं। ये थ्री डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर कैरेक्टर, इंटीजर ए, फ्लोट बी और कैरेक्टर से, ये जो इंटीजर होता है मेमोरी में 2 बाइट की जगह को कंज्यूम करता है, फ्लोट जो होता है 4 बाइट की, 4 बाइट की जगह कंज्यूम करता है, करेक्टर जो होता है 1 बाइट की जगह को कंज्यूम करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मेमोरी है, हमारे पास कोई मेमोरी है और इस मेमोरी में ये इंटीजर 2 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का और करेक्टर 1 बाइट का, इसको थोड़ा सा छोटा सो करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये होगा, जब हम ये वेरिएबल बनाते हैं तो इस वेरिएबल का मेमोरी में कहीं ना कहीं नाम आ जाता है। मान लेते हैं इसका नाम क्या हो गया, ए हो गया, इसका नाम क्या हो गया, बी हो गया, इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। ए बी सी तीन नाम के यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पे बन गया, मतलब तीन जगह क्या हो गया, स्टोर हो गया। अभी हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं, तो क्या इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कि हम बस पे चढ़ते हैं, बस में चढ़ने के बाद हम क्या देखते हैं कि हम हैं और आपके एक आप हैं और आपके कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने बोला कि रुकिए हम पानी लेके आते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना अपना बैग ही उठा के उस जगह पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब उस जगह क्या हो गई, रिजर्व हो गई, रिजर्व होने का मतलब उस जगह पर कोई आके बैठ नहीं सकता। आप क्या बोलेंगे, भाई ये बैग रखा हुआ है ना मेरे दोस्त का है, आप कुछ नहीं रखेंगे तो जगह पर कोई भी आके बैठ जाएगा, आप नहीं रखेंगे तो जगह पर कोई भी आके बैठ जाएगा, जगह रिजर्व नहीं है। लेकिन अगर उस पर आपने उठा के अपना बैग रख दिया, हैंकी रख दिया, मतलब कुछ भी रख दिया, तो जगह क्या हो गई, रिजर्व हो गई। वैसे ही जब हम वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों, तो वेरिएबल रैम पे बनता है, रैम ही हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, तो रैम पे जब ये वेरिएबल बनेंगे तो इस जगह को रिजर्व करने के लिए हमारा जो कंपाइलर होता है बाई डिफ़ॉल्ट अपने से कुछ ना कुछ वैल्यू रख देता है, बाई डिफ़ॉल्ट अपने से कुछ ना कुछ क्या रख देता है, वैल्यू रख देता है। उसी वैल्यू को, वो वैल्यू क्या होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, मतलब उस वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं होता है, उस वैल्यू का हम कुछ यूज भी नहीं कर सकते, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं दोस्तों, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। देखो दोस्तों इस बात को हमेशा समझते रहना कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होती है कि जैसे आपने वेरिएबल बनाया और इसके अंदर आपने कोई डेटा नहीं रखा, आपने कोई भी डेटा नहीं रखा, तो कंपाइलर अपने से इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा रख देगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता। अब देखो अगर हम वेरिएबल में वैल्यू नहीं रखेंगे, ए के पास हम कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, बी के पास हम कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, और हम ये चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम ए और बी को मान लेते हैं ऐड करना चाहते हैं, तो ए और बी ऐड तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन किस नंबर पर ऐड होगा, इसी गार्बेज वैल्यू पर ही ऐड होगा, तो गार्बेज रिजल्ट भी आएगा। तो देखो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, इसमें इसी टॉपिक पे हम इसी बातों को थोड़ा सा कवर कर रहे हैं कि इंटीजर ए और फ्लोट बी या फिर कैरेक्टर सी, ये जो कुछ भी हैं, इनमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने से गार्बेज वैल्यू, जैसे आप अपने उन्होंने बताया ना कि आप अपने दोस्त की जगह पे अपना बैग रख देते हैं, अब आपका बैग जो है, आपका बैग जो आपके दोस्त को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैसे ही यहाँ पे जो गार्बेज वैल्यू होती है मेमोरी को बचा के रखती है कि इस जगह पे कोई दूसरा डेटा ना आ पाए, इसी को क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। ये वैल्यू क्या होती है, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होती है। अगला पॉइंट ये दोस्तों कि हम करते क्या हैं, एक ही नाम से कोई दो वेरिएबल नहीं बना सकते, एक ही नाम से सी लैंग्वेज में कोई दो वेरिएबल नहीं बना सकते, सी प्लस प्लस में पॉसिबल होता है लेकिन सी लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक बार में देखिए, अगर हमने आपको पहले भी बता दिया है कि जो हमारी ये लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है, क्या कैसी लैंग्वेज होती है दोस्तों, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये, केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर हमने लिखा इंटीजर ए और फिर इसके बाद हमने कल लिख दिया कामा ए, अब देखो यहाँ पे ए और ए इसको पढ़ेंगे तो हम ए ही, लेकिन हमारे कंप्यूटर के लिए ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि हमने पहले पिछली क्लास में हमने चर्चा भी किया कि ये ASCII कोड के थ्रू क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
इस वजह से इसको अलग मेमोरी मिलेगी, इसको अलग मेमोरी मिलेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा डिक्लेरेशन नहीं कर सकते ए और ए, हम ऐसा डिक्लेरेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हम ए और ए ऐसा डिक्लेरेशन कर सकते हैं दोस्तों। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने लिखा इंटीजर ए और हमने फिर लिख दिया ए और इसके बीच में हमने मान लिया कि क्या है स्पेस है, ये गलत है। क्योंकि हमें पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल का जो नेम होगा पहले से तो थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए। इसके साथ अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडरस्कोर साइन, अल्फ़ाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर साइन के अलावा कोई तीसरा यूज नहीं होगा, कोई तीसरा यूज नहीं होगा तो इसमें हम यूज नहीं कर। यहाँ पे देखो स्पेस एक एज अ सिंबल यूज हो रहा है तो ये क्या है, गलत है, इसको हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। और चौथी बात ये दोस्तों कि हम यहाँ पे अंडरस्कोर साइन यूज कर दें तब ये सही है। और हमारा जो वेरिएबल होगा कभी ऐसा नहीं हो सकता 3A टाइप का, हम अगर चाहते हैं कि हम बना दें कि ये 3A हो जाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल नेम कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता किसके साथ, डिजिट के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिट से स्टार्ट किया। हाँ अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट हो सकता है, आप अंडरस्कोर साइन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब आप इसको ये कर देते हैं तो ये सही है। आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वैलिड वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन करते टाइम पर आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। आपने क्या देखा कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें एक अनप्रडिक्टेबल वैल्यू स्टोर होती है जिसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। कोई दो वेरिएबल नेम सेम नहीं हो सकते, आप एक ही डेटा टाइप के कई वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि मान लेते हैं कि आप कोई किसी भी प्रोग्राम में आपने लिखा इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीनों इंटीजर टाइप के हैं। आप इसी काम को ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, इंटीजर ए कामा बी कामा सी, बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसे हमें कामा से सेपरेट करना होगा। इससे क्या हुआ, हमारी थोड़ी सी लिखने का काम भी बच गया और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है देखने में कि चलो ये तीनों एक ही प्रकार के हैं। एक प्रोग्राम में इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर वाइड लॉन्ग डबल सारे डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब इस बात को हम और भी ज़्यादा कवर करेंगे आगे चल के देखते हुए, लेकिन फिलहाल डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा कि डेटा टाइप डिक्लेरेशन जो हम करेंगे उसमें सबसे पहले हमें वेरिएबल नेम लिखना होगा, डेटा टाइप लिखना होगा, डेटा टाइप लिखने के बाद वेरिएबल नेम लिखना होगा, और चाहते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ में इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन करने के दो रास्ते होते हैं आपके पास, दो रास्ते में से पहला रास्ता होता है ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन, मतलब वैल्यू को डिक्लेयर करने के साथ आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ आप वैल्यू को भी डिक्लेयर कर दीजिए। दूसरी बात ये कि आप ऑन टाइम पे भी कर सकते हैं स्कैन ऑफ फंक्शन की मदद से, वो हम आगे देखेंगे। तो हमने इस तरीके से इस चीज़ों को देखा। आइए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे और क्या समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा यहाँ पे इंटीजर ए 5, ये हमारा डिक्लेरेशन है और साथ में इनिशियलाइजेशन है, ये बिल्कुल सही है। अब मैंने लिखा फ्लोट और हमने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट ए 5.0, यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, जो कि वैल्यू किसमें है, फ्लोट में है, जो वैल्यू किसमें है, फ्लोट में है। तो दोस्तों बहुत लोगों को मान लेते हैं आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए साइनिंग टू 5.0, मतलब आपने डेटा टाइप तो लिया इंटीजर लेकिन आपने इसके अंदर वैल्यू कौन सी रखी है, 5.0। जो आपने यहाँ पे वैल्यू 5.0 रखी है तो आपको देखने में लग रहा होगा कि सही है कि गलत है, ये क्या है, सही है कि गलत है। दोस्तों ये लाइन सही है, लॉजिकली तो गलत है लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये सही है। लेकिन इसमें होगा क्या, जो ए होगा ना वो केवल डेसिमल की साइड की वैल्यू को स्टोर करेगा, क्योंकि इसके पास केवल 5 रखने की जगह है, 0 रखने की जगह नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे केवल ये 5 को स्टोर कर सकता है और किसी डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। तो इस वजह से ये लाइन गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी वैल्यू नहीं आके केवल यही एक केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें आएगी, इस बात को थोड़ा सा हमें समझना होगा। दूसरी बात ये कि दोस्तों जैसे हमने लिखा इंटीजर, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इंटीजर ए साइनिंग टू, और हमने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर ए, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कैरेक्टर ए। दोस्तों बस हमें यह ध्यान रखना होगा,
हमने यहाँ पे डेटा टाइप तो लिखा है इंटीजर, लेकिन इस डेटा टाइप में हम वैल्यू कैसी रख रहे हैं, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रख रहे हैं। जब ये कैरेक्टर टाइप में हम वैल्यू रखेंगे तो लॉजिकली तो ये गलत हो जा रहा है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से गलत नहीं होता है। क्यों गलत नहीं होता है? क्योंकि इस ए की जो इंटीजर वैल्यू, मतलब इस ए की जो ASCII कोड है, जो ASCII कोड कैपिटल ए का ASCII कोड कितना होता है, 65 होता है कि नहीं होता है? तो ये 65 इस ए के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बस इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, जैसे मान लेते हैं आपने लिखा फ्लोट, आपने लिख दिया फ्लोट, और फ्लोट में आपने मान लेते हैं वेरिएबल का नेम लिखा आपने, एक नाम लिखा आपने भानु, ये वेरिएबल का नेम है, और इसके असाइनिंग टू वैल्यू आपने रख दिया 3। दोस्त देखो दोस्तों, इसमें हो क्या रहा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट किसको मेमोरी, भानु वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी, 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी। जब 4 की मेमोरी मिलेगी, हमने यहाँ पे डेटा क्या लिखा है, 3 लिखा है, जो कि एक इंटीजर है, ये 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो जब ये भानु के अंदर ये वैल्यू जाएगी तो ऑटोमेटिक दशमलव लगा के 0 हो जाएगा, मतलब इस वैल्यू को ऑटोमेटिक फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। जब इंटीजर वैल्यू का फ्लोट में प्रमोशन होता है, जब इंटीजर वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वैल्यू का प्रमोशन। जब कोई फ्लोट वैल्यू डिमोट होके इंटीजर में कन्वर्ट होती है, तो उसको बोलते हैं वैल्यू का डिमोशन। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैल्यू का प्रमोशन क्या होता है और वैल्यू का डिमोशन क्या होता है। जब कोई इंटीजर फ्लोट में बदल जाता है तो उसको वैल्यू का प्रमोशन बोलते हैं, जब कोई फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है इसको बोलते हैं वैल्यू का डिमोशन। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की बात, हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पे सारी चीज़ें देखी हैं। इससे इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक को मैं हर लेक्चर में कवर करूंगा, करने की कोशिश करूंगा, कि देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट होता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होता जाए। आप पहले बेसिक चीज़ों को पढ़िए, इन चीज़ों को रिपीट करिए, वीडियो को हो सके तो एक से दोबारा भी देखिए, दोबारा देखने से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी लिख रहा हूँ, आप इसको लिख के प्रैक्टिस करने की सुविधा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और आप बुक की मदद करिए, बुक की मदद लीजिए। अगर आप वो लेवल के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए मस्ट है कि आपने जिस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, देखो वीडियो पे तो सारी चीज़ें कवर हो नहीं पाती हैं, यहाँ पे लेस टाइम पे ज़्यादा काम बात करनी पड़ती है, तो आप कर क्या सकते हैं कि बुक लेके इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, इन चीज़ों की मदद करिए। और फिर हम अगर कुछ कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँ, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।